एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? होप करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो मॉर्निंग का हो गया 8 o'clock और हम नहा के आए हैं और जस्ट अभी हमने पूजा कर ली है। अनिका भी सो रही है क्योंकि आज वो स्कूल नहीं गई है, आज है उसकी PTM, तो हमको जाना है स्कूल अनिका को ले के आज, तो इसलिए अनिका भी सो रही, मैंने उसको जगाया नहीं है। मैंने पूजा कर ली और बारिश के मौसम में यार कपड़े नहीं सूखते, तो देखो मैं इधर उधर गेट पे इधर उधर टांग लेती हूँ कुछ कपड़े, यानी कि यूनिफॉर्म वगैरह भी उधर टांगी। चली मैं आपको दर्शन कराती हूँ भगवान जी के। तो हमारी पूजा हो चुकी है और दिन की शुरुआत भी मैंने कर ली भगवान जी की पूजा करके। अब चलती हूँ किचन में और आज नाश्ते में क्या बनाऊंगी, मौसम दिखाती हूँ आज का कैसा है कैसा नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ मेरे जाने के टाइम तक बारिश ना स्टार्ट हो जाए यार, क्योंकि मौसम बना हुआ है बारिश ही वाला है मौसम। देखो कैसा क्या होता है पता नहीं, और बारिश होगी तो बारिश होगी, देखा जाएगा। पर जाना तो है आज PTM है, तो आज मैं बनाऊंगी इनका के लिए बनाना चिप्स। तो बनाना चिप्स बना के वही खा के नाश्ता करके मैं चली जाऊँगी, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा है ना, और थोड़ा दूर भी है और जाना भी है ज़रूरी PTM में, इस वजह से। तो बनी रहिए, बनाना चिप्स बनाते हैं है ना। रहे कुछ हमारे बनाना और इनको लाए हुए मुझे 3-4 दिन हो गया है गाइस, पता नहीं कैसे हुए हों। फ्रिज में दीदी के वहाँ लगा हुआ था, कल मैं लेके आई हूँ, क्योंकि पता है कल मैं क्यों लेके आई हूँ, ये सुबह सुबह अनिका बहुत जल्दी स्कूल जाती है, तो सुबह नाश्ता बनाऊँ कि ये नाश्ता बनाऊँ क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन आज अनिका भी घर पे है, लेट में जाना है मुझे, तो मैं सोच रही हूँ अनिका का फेवरेट है बना देती हूँ। चलिए फटाफट मैं कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चिप्स काट लिए हैं और तो मैं सोच रही हूँ कुछ चिप्स मैं सिंपल बनाऊँ, कुछ मतलब कुछ चिप्स मैं ऐसे ही बनाऊँ प्लेन ही, और कुछ बेसन वाले बनाती हूँ, ट्राई करती हूँ कि कैसे लगते हैं कैसे नहीं है ना। तो अभी बनी रहिए, चलती हूँ बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने नमक वाला पानी ले लिया है और कुछ मैं बेसन वाले भी बनाऊँगी, जिसमें हल्का सा मैंने लाल मिर्च भी ऐड करा, नमक भी ऐड करा है। और ये रहे हमारे चिप्स, ये रहा हमारे कढ़ाई में तेल, ठीक है अभी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बनाना चिप्स। तो हमारी कढ़ाई बहुत ज़्यादा जल गई है पूरी बनाने में, तो इसको मुझे फुर्सत में साफ़ करना पड़ेगा। जब लोहे वाला वो ले आऊँगी ना साफ़ करने वाला, वो है नहीं इसलिए साफ़ नहीं हुआ है। तो चिप्स बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही पसंद है हमारी अनिका को, तो हम यहाँ पे चिप्स स्लो आँच में बनाएंगे और बहुत टेस्टी लगते हैं। बहुत काफ़ी दिन बाद हम चिप्स बना रहे हैं घर पर, सुबह टाइम नहीं मिल पाता जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और गाइस कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसके वजह से मुझे दूसरा रूम देखना पड़ रहा है। ऐसा क्या हुआ है क्या नहीं, बहुत ही मुश्किल समय चल रहा है मेरा, हर कोई मेरी परीक्षा ले रहा है हर कोई। मैं इस मुसीबत में हूँ कि मैं आपको चाह के भी नहीं बता सकती, फिर भी मेरे चेहरे पर स्माइल है, लेकिन मैं इस टाइम पर घुटन वाली ज़िंदगी जी रही हूँ। ऐसा क्या हुआ है, क्यों मुझे मजबूर किया गया है जो मैं दूसरा रूम देख रही हूँ। आप लोगों को समय आने पे सब कुछ बताऊंगी मैं, क्योंकि अभी समय मेरा ठीक नहीं और मैं यहाँ पे अकेली हूँ, बस इतना समझ लो। लेकिन मेरे साथ में ठीक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने नमक का पानी का मतलब डाल दिया है घोल, और फिर निकाल लूँगी इनको जब थोड़ा सा और क्रिस्मी हो जाएंगे, बहुत टेस्टी लगते चाय के साथ में। और अनिका वेट कर रही है, और फिर हम जब बाहर गए तो यहाँ पे अनिका के फ्रेंड भी आ जाते हैं, क्योंकि वो भी नहीं गए थे, पेरेंट्स मीटिंग है तो वो भी अपनी मम्मा के साथ में जाएंगे, तो हमको भी जाना है। तो यही नाश्ता करके निकल जाऊँगी है ना, और फिर वापसी में आऊँगी तो जो बनाना होगा खाना वो बना लूँगी। जितनी जल्दी जाऊँगी उतनी ही जल्दी वापस आ जाऊँगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं कैसे नहीं, काफ़ी दिन बाद ट्राई भी कर रही हूँ मैं। तो बनी रहिए अभी हमारे चैनल पे।
अनिका लेके आई हूँ। और ये अनिका के फ्रेंड है जो अनिका के साथ में खेलने के लिए आए थे, तो हम यहाँ पे चाय पियेंगे सभी लोग बैठ के। तो आप लोग भी आइए हमारे साथ में चाय पी लीजिए आके, है ना। तो चिप्स और चाय हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, तो आप लोग भी आइए और साथ में इंजॉय करिए। तो बहुत ही अच्छा बच्चा है और वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। और तो यहाँ पे फ़ोन आ गया, इसलिए पता है सारी आवाज़ चली गई, नहीं तो आप लोग भी सुनते। कभी आएंगे ना तो हम आप लोगों को बताएंगे, इनकी आवाज़ सुनाएंगे, बहुत ही प्यारा बोलते हैं ये। वहाँ का भी तो बच्चा इतना छोटा सा होता है, आप ही कह रहे हो इतने छोटे थे। ये ओली में आया था, हेलो बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। और ये आपको बता रहे हैं कि हम इतने छोटे पैदा हुए थे और पापा के ऊपर मैंने सूसू कर दिया था, वही हम लोग हंस रहे थे यहाँ पे बैठे हुए। और आज सुबह की चाय सबके साथ में हुई तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा, वरना तो अकेले हम लोग चाय पीते हैं तो ठीक नहीं लगता है। तो गाइस जा रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि आज है पेरेंट्स मीटिंग अनिका के स्कूल में, तो अभी हमने चिप्स वगैरह बनाए थे और पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि लगातार हो रही है यहाँ पे बारिश, और बारिश में मैं निकल के कहाँ जाऊँ। तो इतनी देर तो हमने वेट किया, निकल के फ्रेंड लोग आए थे तो उनको भी चिप्स वगैरह उन लोग खाया बच्चों ने, और अनिका ने भी खाया है। तो वही प्रॉब्लम हो गई कि बारिश बंद ही नहीं हो रही है, 10:30 गया है बज, पूजा का फोन आ रहा है, और 10:30 गया है बज, तो हम कहाँ से पहुँच पाएंगे, कैसे क्या होगा, अभी बारिश भी लगातार हो रही, खाना भी इसीलिए मैंने नहीं बनाया था, नाश्ता ही सोच रही थी करके मैं निकल जाऊँगी, लेकिन बारिश की वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो बना लेती हूँ खाना फटाफट, पूजा से बात कर लूँ, आ रहा है कॉल। क्या हुआ, घर जाना चाह रही है ना। गुड इवनिंग फ्रेंड, तो शाम हो गई है और अभी अनिका का खाना, हाँ बेटा चल रही हूँ, अनिका का खाने का मन था। बिट्टू बताओ कि क्या खाने का मन था आपका। लौकी की। तो मम्मा ने आपको बना के दिया ना। लौकी और आलू की पकौड़ी। अब अनिका के ट्यूशन का समय हो गया है तो अब अनिका जा रही है ट्यूशन, तो चलो हम अनिका को छोड़ देते हैं नीचे तक। तो अनिका ट्यूशन जा रही है, ट्यूशन मैंने लगवा दिया है अनिका का, और तो जा रही है, तो चलते हैं अपनी अनिका को छोड़ के आते हैं। पूरा दिन हो गया है गाइस, पूरा दिन निकली नहीं हूं। अनिका बेटा बारिश हो गई है, देख सकते हो मौसम। हम लोग दोनों जाते हैं कहाँ, इससे बनने के तो हम दूसरी वाली गली में देखने के लिए जा रहे थे रूम कि मुझे कहीं पे मिल जाए, लेकिन कोई भी दिख नहीं रहा था कि मैं किससे पूछूं किससे ना पूछूं, कुछ भी अकेले समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और तो वहां तक मैं देख के आ गई थी पर कोई मुझे दिखा नहीं था, तो कल सुबह मैं निकलूँगी रूम देखने के लिए, तो देखो क्या होता है कैसे क्या। बस इस वक्त बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, बहुत ही ज्यादा। हाय, तो गाइस हमें दूसरा रूम देखना पड़ रहा है, तो हम इधर देख रहे हैं, 2-4 जगह हमने बात भी कर ली है इस साइड, और देखते हैं कंफर्म हो पाता है कि नहीं हो पाता है, क्योंकि मकान मालिक बोल रहे हैं रूम खाली करने के लिए, इसलिए तो रूम खाली करना है मुझे, तो देखना तो पड़ेगा ही, है ना। ये देखो इधर से इधर, बढ़िया, ये चलते हैं इधर,